हेलो, मैं अर्चना। वेलकम टू आइस रेसिपी। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले आप मेरे 4-5 वीडियो में नया किचन देख रहे थे, क्योंकि मैं यूएस में मेरे बेटे के यहाँ गई थी और कुछ वीडियो मेरे वहाँ पे बने। लेकिन अब मैं फिर इंडिया आ गई हूँ और अब आप इस वीडियो से आप मेरा पुराना किचन देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों के बाद नवरात्रि चालू होगा और नवरात्रि में बहुत से लोग 9 दिन उपवास करते हैं। अब हम 9 दिन एक ही चीज तो नहीं खा सकते, साबूदाना साबूदाना वड़े रोज नहीं खा सकते, तो हमें कुछ नया बनाना पड़ता है। सो मैं आज आपके लिए एक नई यूनिक फरियाली रेसिपी लेकर आई हूँ, कच्चे पपीता का किस। दोस्तों, मेरे आइस रेसिपी चैनल पर व्रत की और भी नई नई रेसिपीज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ। सो आप व्रत के दिन उस लिंक को खोलकर उन्हें ज़रूर बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कच्चे पपीता का किस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधी पपीता ली है, जिसके छिलके निकालकर मैंने कद्दूकस कर लिया है। मूंगफली को भून के उसकी दरदरा पाउडर बना ली है। ये फ्रेश कोकोनट है, हरी मिर्च की पेस्ट है, अदरक पेस्ट है, नींबू है, फ्रेश धनिया है। और व्रत की सारी चीज़ें मैं मूंगफली के तेल में बनाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मूंगफली का तेल लिया है। आप इसके बदले में घी भी यूज़ कर सकते हो। सेंधा नमक है, जीरा है और लाल मिर्च पाउडर है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा तेल डालते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम सिम कर देते हैं और इसमें जीरा डालेंगे, हरी मिर्च पेस्ट डालते हैं, जिंजर पेस्ट, तो इसको अच्छे से सोते करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ये कद्दूकस किया हुआ कच्चा पपीता इसमें डालेंगे। इसका रंग बहुत ही अच्छा आता है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इसको अब थोड़ी देर हम प्लेट से ढक देंगे 2 मिनट के लिए और फिर इसमें नमक डालेंगे। इसको हम प्लेट से ढक देते हैं और गैस की फ्लेम सिम रखेंगे 2 मिनट बाद। अभी हम ये प्लेट निकालते हैं और इसको अच्छे से चेक करके अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। ये सेंधा नमक है, क्योंकि व्रत में काफी लोग सेंधा नमक खाते हैं। आप टेस्ट अनुसार कम ज्यादा कर लेंगे। अब इसका थोड़ा पानी सूखने तक इसे हम हिलाते रहेंगे और फिर इसमें हम मूंगफली की दरदरी पाउडर डालेंगे। इसमें अब हम मूंगफली की दरदरी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम सिम पे ही रखना, ये बहुत जल्दी बनता है और टेस्ट में भी थोड़ा अलग है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए हम प्लेट ढक के सिम पे रखेंगे। हम प्लेट निकाल के देखते हैं, देखिए बहुत अच्छा हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। इसमें हम खटाई के लिए नींबू डालेंगे, आधा नींबू का रस डाल रहे हैं, जिससे कि खट्टा अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि पपीता थोड़ी सी उसमें मीठापन होता है। ये फ्रेश कोकोनट डालेंगे, ग्रेटेड किया हुआ। यदि आपके पास फ्रेश कोकोनट नहीं होगा तो आप घर पे जो ड्राई कोकोनट होता है उसी को कद्दूकस करके वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारा कच्चे पपीता का किस तैयार हो गया है। इसे हम हरा धनिया डाल के अच्छे से गार्निश करेंगे।
दोस्तों हमारा ये कच्चे पपीता का केस तैयार हो गया है। आपने देखा ही होगा कितना जल्दी बनता है। और आप हमेशा आलू का केस या स्वीट पोटैटो का केस तो बनाते ही होंगे, लेकिन ये कच्चे पपीता का केस आप जरूर बनाइए। कच्चा पपीता अपने हेल्थ के लिए बहुत लाभदायी होता है, आप सभी जानते हो। कच्चे पपीता में विटामिन ए सी और ई होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और अभी ये कोविड के दौर में तो हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो ये कीस जो है, कच्चे पपीता का कीस जो है, वो आप व्रत के लिए तो बनाइए, लेकिन वैसे भी आप साल भर में कभी भी बनाइए, क्योंकि ये बहुत लाभदायी है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत एनर्जी देता है। मेरा आइस रेसिपी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए रेसिपी के साथ।